हेमंत सोरेन सरकार किसी भी तरह की कोई ठोस पदक्षेप औचकी की प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं लेंगे, तब 4 जुलाई से चक्का जाम किया जाएगा झारखंड की लिपि को समझने के लिए, उनकी लिपि को अपनाने के लिए जो परसेंटेज ऑफ ट्राइबल है, संताली है, वो हेमंत सर आपके इलाके में है। नमस्कार, जोहार, आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं नूरुल इस्लाम, नूर नॉलेज मयूरवंश को। आज फिर से वही मुद्दा लिया आप लोगों के पास आया हूं कुछ दिन अंतराल के बाद। कुछ जो सो कॉल्ड ठेकेदार थे औचकी के बारे में तमाम खबर आप तक पहुंचाएंगे, मुझे कमी महसूस हुई, फिर दोबारा सा मैंने औचकी टॉपिक को आने के लिए बाध्य हुआ हूं। देखिए, मयूरभंज के स्वाभिमान है, हमारी अपनी स्वाभिमान है, ये अपनी गर्व है कि मयूरभंज से पंडित रघुनाथ मुर्मू ने जो औचकी लेके आए, जिसके बलबूते में एक संताली भाषा को लिपि मिली और शायद झारखंड राज्य बनने के पीछे इस लिपि का भी अपना एक योगदान रहा, क्योंकि 1925 से यह लिपि आया और 2000 में आपकी झारखंड को एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता मिली। अब 2020 के शिक्षा वर्ष में औचकी को अपनी शिक्षा दान के प्राथमिक प्रक्रिया के अंदर लाने के लिए अभी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब ने जो पदक्षेप लिए हुए थे, उसे कुछ विरोध का सामना करना पड़ा है, बात सच है, लेकिन अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अगर 27 जून तक हेमंत सोरेन सरकार किसी भी तरह की कोई ठोस पदक्षेप औचकी की प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं लेंगे, तब 4 जुलाई से चक्का जाम किया जाएगा झारखंड की। लसेर हतान को समाज सुसरीय कथा को कहो के दा आर नियत है गोटा है ना कि जिदि 27 तारीख धाबी सरकार नवा मांग भाई मनाओ दा मेन का 4 जून हिला दो पूरा रोड रेल 4 जुलाई अभी तो रोड रेल चक्का जाम हुआ, ये ऐलान कर चुके हैं। एक प्रभात खबर में आई हुई खबर को बेस करते मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2020 के तहत प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई मातृभाषा में की जानी थी। ये प्रभात खबर की खबर बोल रहा है कि 2020 के तहत प्राथमिक स्तर में पढ़ाई जो है वो मातृभाषा में होनी थी, इसलिए झारखंड सरकार क्षेत्रीय भाषा का पठन कराने के लिए सामग्री तैयार कर रहे थे और यह तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अब कहीं चल के सरकार को कोई उलझन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यह झारखंड की अपनी मामला है। लेकिन जो अल्टीमेटम आज उभर करके आया है, आज उसका मानना यह है कि देखिए भाई, जो लालपनिया है, लालपनिया एरिया जो एरिया है, वहां पर कुछ माझी हड़म मान्यगण्य संताली व्यक्ति इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद उन्होंने एक शपथ लिया। उस शपथ के अनुसार अगर उस शपथ को आप देखते हैं तो उन्होंने भी वही अल्टीमेट दे रखा है जो सबसे पहले प्रभात खबर की खबर आई थी, उसमें बताया गया था कि झारखंड में कई बार संताली भाषा में किताबें औचकी की लिपि में छपी हुई है। संताली भाषा थी लेकिन कई बार औचकी में संताली भाषा की शिक्षा देने की प्रक्रिया को औचकी की लिपि के सहयोग में किया गया था, लेकिन साथ ही में वर्ग से 3 का भाषा साहित्य और 4-5 वर्ग की किताबों को छप चुका था। यहां कहना यह चाहते हैं कि जो 5वीं तक का प्राथमिक शिक्षा है, जिस लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू जी को पढ़ाई की प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने घर में एक भाषा पढ़ा, एक भाषा मेरे घर में चल रही है और जब स्कूल जा रहा हूं तो मुझे समस्या हो रही है, इस तरह की समस्या मेरे कम्युनिटी के, संताली कम्युनिटी के लोगों को ना हो, इसलिए उन्होंने जद्दोजहद के साथ औचकी लाए। तो अब जब झारखंड स्टेट बन चुकी है, बिहार से टूट के बनी है, और तत्कालीन
जो अखंड मयूरभंज के कुछ इलाके आपके झारखंड में है, इसलिए हम मयूरभंज में रहते हुए इसकी पत्रकारिता करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमको अखरता है। अगर संताली भाषा के जो बच्चे हैं घर में संताली बोलते हैं, आस पड़ोस चारों तरफ संताली भाषा की बातचीत हो रही है और उन लोगों को ओलची की शिक्षा प्राथमिक क्षेत्र में पांचवी तक होना चाहिए। आज आल्पना में जो सारी माझी हड़म से लेकर के जो मान्य गण्य व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने आज दोबारा सा ये ऐलान कर दिए कि अगर हेमंत सरकार इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं लेंगे तब 4 जुलाई से झारखंड में चक्का जाम किया जाएगा। जो लोग ओलचिकी के फोर में है, मेरे जैसे जिन लोगों का प्यार मोहब्बत है ओलचिकी से, उन तमामों के साथ देंगे। मैं पत्रकार होने के नाते नहीं, आज एक मयूरभंजिया होने के नाते मेरी दिल से सपोर्ट रहेगी कि हे हेमंत सरकार, आप उन ट्राइबल बच्चों के बारे में सोचिए जिन लोग उस माहौल में हैं, उन्हें ओलची की शिक्षादान से महरूम ना करें। आपको जैसे भी है, आप विचक्षण हैं, दिशम गुरु के बेटे हैं, आपके पास वो जुनून है हेमंत जी, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, आप तुरंत इसके फैसला लें। जल्द से जल्द पांचवी क्षेत्र तक, पांचवी श्रेणी तक बच्चों को ओलचिकी में शिक्षा दान दिया जाए। हो सकता है आप उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट रखें, लेकिन जो भी है, आपके पास शिक्षाविद हैं, आपके पास मान्यगण ऑफिसर्स हैं, आईएएस हैं, जो एजुकेशन देखते हैं, चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन है, इन तमामों के साथ मिलते हुए इस चक्का जाम की नौबत ना आए, आप तुरंत ही इसके ऊपर कोई पदक्षेप नहीं। हम जब मयूरभंज में रह करके देखते हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू जी की जो परिकल्पना थी, उनकी लिपि को समझने के लिए, उनकी लिपि को अपनाने के लिए जो परसेंटेज ऑफ ट्राइबल है, संताली है, वो हेमंत सर आपके इलाके में है। आप ये ऐतिहासिक कदम लें और कदम उठाएं, इतिहास में आपके नाम स्वर्णाक्षर में लिपिबद्ध होके रहेगा कि हेमंत सरकार ने ऐसा एक बोल्ड स्टेप लिए थे। आपको व्यक्तिगत रूप से मैं गुजारिश करूंगा, हे हेमंत सरकार, आप आने वाला 4 जुलाई को जो चक्का जाम का लोगों ने डिक्लेयर कर चुके हैं, बड़ी बड़ी बुद्धिजीवी ने, बुद्धिजीवी जो संताली कम्युनिटी से है, उनकी बात को सुने। और 27 जुलाई, आज 25 जुलाई है, आपके पास और 2 दिन है, तुरंत इसके ऊपर कोई एक निष्पत्ति ले। मैं और मेरी टीम के ओर से, टोटल जो ओलचिकी को पसंद करने वाले मयूरभंज में हैं, इन तमामों के ओर से, आप तो बेहतर जानते हैं हेमंत जी कि हमारे यहां से बहुत सारे लोग आपके जमशेदपुर में रहते हैं, रांची में रहते हैं, देवघर में रहते हैं, डुमका में रहते हैं, इन तमाम संतालियों के भलाई के लिए और अपने आप को इतिहास में दर्ज करने के लिए हेमंत जी आप कोई कड़ा कदम उठाएं। इसी उम्मीद के साथ हेमंत सरकार को जोड़ हस्त में निवेदन करते हुए मैं नूरुल इस्लाम आप सभी से विदाई लेता हूं। आज के लिए मुझे यही रहने दे। जय ओलचिकी।